मार्ग शीर्ष महीना जिसे अघन का महीना भी कहा जाता है, ऐसे में इस महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को मार्ग शीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं। बता दें कि दिसंबर में पड़ने वाली पूर्णिमा साल की अंतिम पूर्णिमा होने वाली है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूर्णिमा में स्नान दान और सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन जो भी गीता का पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस पूर्णिमा के दिन पूरे मनोभाव से पूजा आराधना करने पर घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस दिन पड़ रही है मार्ग शीर्ष माह की पूर्णिमा और इस दिन किस तरह से की जाती है पूजा। हिंदू पंचांग के मुताबिक आपको बता दें कि मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस साल 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:46 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 27 दिसंबर बुधवार की सुबह 6:02 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर के दिन ही मार्ग शीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन सभी भक्त पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करेंगे। मान्यता अनुसार मार्ग शीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। खासकर पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त नदी तक जाकर स्नान नहीं कर पाते वे पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और प्रसाद बांटते हैं। ऐसा करना शुभ होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा बेहद शुभ और फलदायी मानी जाती है। बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल फल और वस्त्र जैसी चीजें चढ़ाना चाहिए तो वहीं माता लक्ष्मी को गुलाबी या लाल फूलों समेत श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहिए। इस दिन भक्त अन्नदान भी कर सकते हैं।